नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, सोशियोलॉजी का पेपर है ये, और ये मुझे मिल गया है अभी। और जितने भी पेपर हैं यूपी पीसीएस मेंस के, ये मैं आपको दे दूंगा। यूपी पीसीएस ओनली, यूपी पीसीएस करके एक टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे मिलेगा आपको। और जब सब पेपर हो जाएंगे तो हमारी जो वेबसाइट है www.studyforcivilservices.com, ठीक है, दोनों का एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सोशियोलॉजी के पेपर देख लेते हैं, पेपर वन और पेपर टू दोनों 8-8 क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर में 5 करने हैं आपको टोटल। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, 2 15 नंबर का और 1 10 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का एक क्वेश्चन और 200 नंबर का टोटल एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 40 नंबर का एक क्वेश्चन और 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था सोशियोलॉजी में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फिर रिसर्च डिजाइन क्या होती है, और इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनरी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चनरी वाला तो आंसर ये आपका सोशल वर्क में भी आया था, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। उसके बाद है आपका HCH कूली थ्योरी ऑफ सिम्बॉलिक, ये है, ठीक है, और इंट्रैक्शनिज्म, फिर थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आया था, और इसको मार्क्स के रिफरेंस में एक्सप्लेन करना था, सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव और सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, और आपका फिर आया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और प्रोग्रेस और 3 जो स्टेजेस होती हैं, प्लस इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करनी थी आपको थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन हर्बर्ट स्पेंसर्स की, और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। फिर फंक्शनलिस्ट थ्योरी आई थी आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, शॉर्ट ऐसे आया था आपका पैटर्न ऑफ सोशल मोबिलिटी इन इंडिया, कास्ट सिस्टम और स्लेवरी सिस्टम के बीच में आया था डिफरेंस, और आपको ये है कि हाइपरगेमी और हाइपोगेमी में करेक्टरिस्टिक लिखनी थी, करेक्टरिस्टिक के बेसिस में डिस्टिंग्विश करना था, फैमिली क्या होती है इसके बारे में बताना था, अथॉरिटेरिज्म और इक्वलिटेरियन फॉर्म बताना था, इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप क्या होती है, क्या क्या गोल है सोशल चेंज के, और प्लस आपका सोशल ये पॉलिसी प्लानिंग का इम्पैक्ट क्या क्या होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का रोल क्या है सोशल चेंज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है। और लास्ट में आया था ये टोटेमिज्म और एनिमेटिज्म, ओरिजिन ऑफ रिलीजन। देखिए, सोशियोलॉजी का जो है हमारे चैनल में पूरा पढ़ा हुआ है, पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी से आए। आप बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया गया है हमारे चैनल पे। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये सेकंड पेपर है, इसमें भी 8 में से 5 क्वेश्चन करने थे कि व्हाट इज़ मीन बाई पुरुषार्थ, और कैसे पुरुषार्थ रिलेटेड है आश्रम व्यवस्था से, कामा डॉक्ट्रिन और डॉक्ट्रिन ऑफ रिबर्थ है, फिर क्या है कास्ट सिस्टम और डेमोक्रेसी, क्या को एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल है, ये सब बताना था आपको। फिर उसके बाद है कि मेन फॉर्म्स क्या होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, और सोशल चेंज का क्या क्या प्रोसेस है ये सब बताना था, कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस आपका ये न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली से रिलेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन, प्लस वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट बताने थे जिसमें कि जो वुमेन का स्टेटस है वो चेंज हुआ है, ऐसे वुमेन वाले क्वेश्चन आए थे सोशल वर्क में भी, क्या क्या मेन कॉजेज है आपके हिंदू जनमाजी सिस्टम के रिलेटेड, पावर का क्या मीनिंग है और क्या इसका करेक्टरिस्टिक है ट्रेडिशनल रूरल पावर स्ट्रक्चर के बारे में, फिर क्या चेंजिंग पैटर्न है विलेज सिस्टम में, और ए से लिखना था आपको एडुकेशन और सोशल मोबिलिटी इन इंडिया, फिर कम्युनिकेशन का क्या आपका रोल है, फिर क्या मेन कॉन्स्टेंट है रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस किया था, इस पर क्वेश्चन आया था सोशल वर्क वाले पेपर में भी, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर ये जो आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ था इसके बारे में क्या जानते हैं, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव और साइलेंट फीचर हैं सोशियोलॉजी के संदर्भ में, ये सब चीज़ें बतानी थी। अर्बनाइजेशन का क्या रोल है, क्या कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्नाइजेशन का, और फिर रूरल पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, और प्लस कास्ट जो है वो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि भारत में जो जाति है इंडो आर्यन संस्कृति की संतान है, फिर उसके बाद है आपको चेंजिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और लास्ट क्वेश्चन आया था ये आपका ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और इलूसिवनेस और डिलेमा ऑफ डेवलपमेंट, और क्रिटिकल इवेल्युएशन करना था आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया। देखिए, क्रिटिकल का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों, और प्लस आपका साथ में सजेशन। तो ये है सोशियोलॉजी के पेपर, आपको ओनली यूपी पीसीएस टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज से चालू करते हैं पूरा 2018 के लिए जो भी चीज़ें, पेड ग्रुप का भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पेड ग्रुप अब हमारा चालू होगा, अभी सिर्फ मेरा है डिफेंस का, उसमें पूरा डिफेंस आपको कवर किया जाएगा। यूपी पीसीएस 2018 के लिए अलग है और सोशल वर्क का अलग है, तो डिफेंस और सोशल वर्क के लिए जल्दी पेड ग्रुप मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें पूरी डिटेल दे दूंगा कि एक जो है हमारा बनेगा प्री के लिए ग्रुप, अभी 50 दिन का उसमें रहेगा सब कुछ, और प्लस 2 ये ग्रुप हैं, एक सोशल वर्क और एक डिफेंस का, ठीक है।
जो हमारा ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है उसमें उन लोगों को प्रीलिम्स का तो ग्रुप ज्वाइन नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो जीएस के लिए ऑलरेडी है, लेकिन जो ऑप्शनल का उसमें कवर नहीं था तो ऑप्शनल इससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में डिटेल में, आप इसको पेपर को कर लीजिएगा। इससे पहले उसमें सोशल वर्क के पेपर भी कर दिए गए हैं और आपका हिस्ट्री का भी कर दिया गया है, डिफेंस का भी कर दिया गया है, जीएस के पेपर भी कर दिए गए हैं, हिंदी और एसे का भी कर दिया गया है, हालांकि हिंदी और एसे का फिर से होगा। ठीक है।